गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है रामनवमी वाले दिन का, और ये मैं थोड़ा सा लेट हो गई डालने में, क्योंकि इससे बाद वाले व्लॉग में आई थिंक पहले डाल चुकी हूँ, तो ये व्लॉग मेरा रह गया था, तो काफ़ी लेट हो गया है ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह हलवा, जो भोग के लिए प्रसाद के लिए बनता है। और कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी होती है और हमारे यहाँ पे नवमी में कन्या पूजन होता है, तो हलवा मैं बना रही हूँ सूजी और आटे का। तो मोस्टली मैं सिर्फ सूजी का हलवा नहीं बनाती, उसके अंदर आटा या बेसन मैं मिक्स करती हूँ, बट आज मैंने बेसन नहीं किया, सिर्फ सूजी और आटे को मैंने यूज़ किया हलवा बनाने के लिए। तो अच्छे से मेरी सूजी भुनने वाली है, और इसी टाइम पे मतलब लगभग जब सूजी भुन जाएगी तो मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी जो मुझे डालने हैं। और ड्राई फ्रूट्स कई स्टेजेस पे आप डाल सकते हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच है वो पसंद है तो आप गार्निश में डाल सकते हैं, या फिर हलवे में जब आप पानी ऐड करते हैं उसके बाद डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्राई फ्रूट उतने ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है, जैसे हम लोगों को नहीं है, तो आप जब आपकी सूजी लगभग भुन जाए तो एक दो सेकंड आप उसको इस तरीके से घी में भून लें, तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और खाते टाइम आपको पता भी नहीं लगता कि इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ हुए हैं। तो मैंने अभी डाल दिए हैं जब मेरी सूजी लगभग भुन गई है, और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा गुनगुना, और बस ये हलवा बन के हो जाएगा तैयार। और इस बार का कन्या पूजन जैसा हुआ ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि कन्याएं तो मिलना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने सिर्फ दो तीन कन्याओं के लिए थाली बना के हमारे आसपास में जो छोटी छोटी लड़कियां थी उनके घर ही पहुंचा दी थी। तो बस यहाँ पे हलवा बन गया है, और इसके बाद मैं इसको गार्निश करूँगी जो सूखा नारियल आता है उससे। और हलवे में मुझे सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो है सूखे वाला नारियल, कद्दूकस करके ऊपर से डाला हुआ। जब आप गरम हलवे पे इस तरीके से सूखा नारियल डालते हैं तो उसकी जो खुशबू हलवे में आती है, जो टेस्ट आता है, उसका कोई जवाब नहीं। तो बस यहाँ पे मैं काफ़ी सारा जो सूखा नारियल है उससे इसको गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी, जो काबुली चने आते हैं वो, और प्रसाद के लिए जो काले चने होते हैं वो भी बनाए थे। और जब भी मैं छोले की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं इस तरीके से एक दो बॉयल आलू को मैश करके ज़रूर डालती हूँ, इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है छोले की। तो बस यहाँ पर मेरा सारा खाना बन के तैयार है, छोले की सब्जी और चने बनाए थे थोड़े से जो भोग के लिए बनते हैं वो, और इसके साथ बना था हलवा और पूरी। तो माता का प्रसाद यही होता है, तो सब लोगों के घर में यही बनता है, और यहाँ पे मैं भोग के लिए हलवा निकाल चुकी हूँ। क्या आपने डब्बा निकाल देना, मैं खोलूंगा, मैं निकालूंगा अपने मन से। क्या काड़े निकाल, पहले अलमारी तो खोलो। इधर नहीं है, इस तो वाली में नहीं है, उधर नीचे ड्रेसिंग टेबल में। इधर 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 वाले में जिसमें लोग, ये नहीं है, हैंडल नहीं है, जिसमें नीचे वाले में जिसमें हैंडल नहीं है। हाँ नीचे, ये ओपन कैसे करेगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं बेटा उसमें, हाँ राइट वाले में, ऐसे थोड़ी ओपन। इसका हैंडल ना टूट गया है, जब मोंटू छोटा था ना तो ये बार बार ओपन करता था ड्रॉर को, तो ये सारे हैंडल निकाल दिए थे हम लोगों ने, इसके स्क्रू ओपन करके, ये हैंडल, ये हैंडल, ये दोनों हैंडल, वो हैंडल, तो वो हैंडल टूट गया। अब वो कैसे लगाए, उसको ओपन कैसे करना पड़ता है, किसी चीज़ से ओपन करना पड़ता है उसको, जैसे कि ऐसे कोई नुकीली चीज़ लेके। और देख इसकी वजह से ना ये टूट भी गए कई बार, क्योंकि इस पर स्क्रैच लग जाती है, ऐसे खुलता है ये। डब्बे में है इसमें, हाँ ब्लू वाले में निकाल। ये वाले नहीं, सिंपल वाले निकाल, डेली वाले।
ब्लू ये वाला बस अब निकाल इसको ऐसे छोड़ दे बाद में मैं कर दूँ इधर दिखा ना मुझे तो दिखाओ मैं अपनी मर्जी से निकालूंगा मम्मा के लिए कौन से वाले येलो वाले पहन लूँ ये ऐसे ही पहन लूँ अरे यही हो जाएगा एक ही तो हुआ है मैं अपने एक ही तो ब्रेक हुआ है तो एक तो इसके साथ चल जाएगा देख ये ब्रेक हुआ है तो इसी को ही चेंज कर लेती हूँ ये वाला तो ठीक है ना रेड चल तो रखते ऑरेंज का जब वो लिए क्रैक होएगा जब पहनेंगे ऑरेंज कौन से वाले ऑरेंज येलो है वो ये येलो है बेटा ये ऑरेंज दिख रहे हैं क्या ठीक है जब उन्हें क्रैक होएंगे तब येलो पहनेंगे खुश हट में लगा देते मैं लगाऊंगी हटा मैं लगाती पकड़ इसको तो यहाँ पे हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं ये जो किचन का टूल होता है जिससे गरम पॉट वगैरह पकड़ते हैं ये हितेश ने निकाल दिया था थोड़े दिन पहले तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं मैं डाल दूँगा तो इसकी फ़ोटोज़ वो देख रहे हैं नेट पे तो काफ़ी देर लगी इसको करने में क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे होगा लेकिन फाइनली ये हो गया था बहुत टाइम लगा इसमें क्योंकि इसमें जो ट्रिक चाहिए थी वो काफ़ी देर बाद समझ में आई इसको ऐसे बोल रहे हैं ये बस इतना ही था ये इतना ही काम है ये कौन पापा अब पता लगा ना कितना काम है ये इतना छोटा काम था पूछो इतना छोटा काम था पापा समझ में नहीं आ रहा हाँ तो गया मुंह तो ना मेरा नहीं ऊपर पकड़ रहा है यूं पकड़ रखा है तो कई बार बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी हो जाती है कि जो हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम बन जाती है तो ऐसा ही आज भी कुछ हुआ तो कोई बात नहीं बच्चे हैं अगर वो इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे तो वो बड़े ही बन जाएंगे तो इसी को बचपन बोलते हैं शायद और फाइनली ये हो गया है ठीक और पूरा इतना टाइम लग गया पूरी मेहनत 15-20 मिनट हो गए थे जिस टाइप से हम सोच रहे थे ना कि उस टाइप से डलेगा ये वैसे डलना ही नहीं था और बहुत ज़्यादा हम पूरा प्रेशर प्लास वगैरह यूज़ करके इसको डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हुआ ही नहीं और लास्ट में जब थोड़ा सा हस्बैंड ने काफ़ी ध्यान से इसकी फ़ोटो देखी तो ये एक मिनट भी नहीं लगा इसको डालने में तो पूरी मेहनत अब सफल हो गई है वैसे तो एक मिनट की मेहनत थी लेकिन पहले थोड़ा सा इसको डालने के लिए जो ट्रिक चाहिए थी वो हमें समझ नहीं आ रही थी तो इसको दूसरे गलत तरीके से डाल रहे थे तो ये डल ही नहीं रहा था तो देखते हैं अब इसका यूज क्या होगा सही काम करेगा या नहीं करेगा मम्मी बेटा उसमें थोड़ा ही पानी है
नहीं बेटा रुक जा, बोतल को मैं कर रही हूँ। नहीं बच्चे सुन निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार और कर लेती हूँ। तो मेरा जो पहली बार का घी निकला था उसको मैंने इस तरीके से पानी में रखा हुआ है, और अब जो निकलेगा सेकंड टाइम का वो भी मैं इसी तरीके से पानी में निकालूंगी। और पानी में निकालने से क्या फ़ायदा होता है कि आजकल गर्मियां हैं तो जब हम कुछ दिन की मलाई को इकट्ठा करके घी बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है उस घी का। तो अगर आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से पानी में छोड़ के तब निकालेंगे तो इसकी जो वो अजीब सी स्मेल और टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो पानी में ही निकल जाता है। तो मेरा सारा घी बन के तैयार है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक।